कपास की कीमतों में बनेगी तेजी, क्या इस बार कपास बनेगा सफेद सोना, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च अप्रैल और मई के महीनों में भारतीय कपास की कीमतें 7500 से 8300 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहने की उम्मीद है और इस अनुमान के पीछे कई कारक हैं, जिनमें कपास बीज और कपास केक की बढ़ी हुई दरें और अन्य देशों से कपड़े की बढ़ती मांग शामिल है। हालांकि ऐसे कई संभावित जोखिम भी हैं जो कपास की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे आने वाले चुनाव और बाजार की अप्रत्याशित घटनाएं आदि। इसीलिए कपास की कीमतों पर किन चीजों का असर पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। कपास बीज की दरों में फिलहाल 300 से 350 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि कपास केक की दरों में लगभग 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी से कपास उत्पादन की कुल लागत प्रभावित होगी और बाजार में कपास की अंतिम कीमत बढ़ सकती है। वहीं दूसरे देशों से बढ़ रही मांग भी भारतीय कपास की कीमतों को बढ़ा सकती है, जिसमें लगभग 20 लाख गांठों का निर्यात हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय मांग घरेलू और सप्लाई पर दबाव बढ़ा सकती है, जिससे संभावित कपास की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। वहीं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपड़े की मांग भी बढ़ रही है। यह बढ़ी हुई मांग कपास जैसे कच्चे माल की आवश्यकता को बढ़ा सकती है, जो सप्लाई मांग की गतिशीलता के कारण कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं स्थानीय कपड़ा मालिकों ने कीमतों में गिरावट की उम्मीद में कपास का स्टॉक नहीं किया। हालांकि मांग में बढ़ोतरी के साथ कपास आवश्यकता अनुसार बढ़ गई है। मांग में यह अचानक आई वृद्धि के चलते कपास की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। वहीं वर्तमान स्थितियों को देखते हुए बाजार जानकारों का कहना है कि किसानों को मार्च में अपना लगभग 40% कपास बेचना चाहिए, जबकि अप्रैल में 30% और मई में 30% बेचना चाहिए। और ऐसे में इन सभी कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आगे इलेक्शंस हैं और बाजार के अंदर उठा पटक का माहौल देखने को मिल सकता है, जो कपास की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर सावधानी पूर्वक धीरे धीरे कपास को निकालना चाहिए। वहीं अगर कपास उत्पादन की बात की जाए तो इस वर्ष अनुमान लगाया गया है कि कपास का उत्पादन लगभग 260 लाख गांठ है और अतिरिक्त कैरी ओवर स्टॉक लगभग 60 लाख गांठ है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। इसके अलावा अन्य देशों में भी कपास का आयात इस साल 10 से 12% महंगा होने की उम्मीद है, जिससे कपास उत्पादकों के सामने चुनौतियां बढ़ जाएंगी। भारतीय कपास बाजार अवसरों और चुनौतियों का एक मिश्रित परिदृश्य देखने को मिल सकता है। जबकि सरकी और कॉटन केक के लिए बढ़ी हुई दरें, अन्य देशों से बढ़ती मांग और कपड़े की बढ़ती मांग, इन सभी कारकों की वजह से कपास की कीमतों में तेजी बन सकती है। इसलिए किसानों को ये सलाह दी जा रही है कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर कपास की बिक्री करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।